So Robotruck is an initiative to teach robotics amongst kids, those who are into rural area, those who are into underprivileged sector. So ये truck launch किया गया है Robogini के द्वारा. So Robogini एक company है जो कि robotics के ऊपर काम करती है. So we initiated this truck and this truck is going to travel in Haryana, in Punjab and Himachal. So हम लोग rural area से start करेंगे. इसका truck का concept क्या है, इस truck के अंदर एक lab होने वाला है जिस lab का नाम है transformation lab, जिस lab का नाम है Robogini lab. So इस lab में बच्चे robotics सीखेंगे शाम को आके और सुबह आके जब भी वो free होते हैं. So हमारा truck along with trainer travel करेगा, वो ट्रक वहाँ पे स्टे करेगा 4 to 3 hours और बच्चे आके रोबोटिक्स सीखेंगे और वो रेगुलर बेसिस पे उनका सर्कुलेशन में चलेगा. सो वंस इन अ वीक वो ट्रक ट्रैवल करेगा. अभी हम लोग टोटल 7 places चूज़ करने वाले हैं इन अ वीक ताकि वो मंथली में एटलीस्ट 4 classes ले सकें रोबोटिक्स सीखने के लिए. सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी फॉर 3 months, फॉर 3 months ताकि उनको एक बेसिक प्रिविलेज मिल सके, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उनके लिए रोबोटिक्स क्या होता है, 21st century स्किल्स क्या हैं, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है रोबोटिक्स सीखने के बाद. सो ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू कवर इन रोबोटिक्स ट्रक. सो मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस ट्रक में हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ प्योरली एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसमें बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं सीखने के लिए कि होता क्या है, क्यों होता है. छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. बच्चों को बताया जाता है बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. सो हाउ वी टीच इन आर एजुकेशन सिस्टम, सो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. बट इन आर केस व्हाट किड्स डू, दे एक्सपीरियंस वाइल सीइंग इट कि करंट मेरी बॉडी में से फ्लो कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ दिस जर्नी, दे कम्प्लीट दिस जर्नी थ्रू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. सो बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत लोग हमारे से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछते हैं. सो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, दे आर वेरी एडवांस दीज डेज, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वहीं पे स्टिक है. आज भी हम वही ब्लैक बोर्ड, वही वाइट बोर्ड और वही स्मार्ट क्लासेस यूज़ करने में लगे हुए हैं, बट आर किड्स आर मोर एडवांस यू नो देन दीज किड्स. सो दीज थिंग्स, सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 21st century जो हमारी अभी चल रही है उसमें जो बच्चों को लर्निंग चाहिए, जो उसमें बच्चों को टीचिंग चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रही. सो 21st century के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं इसमें, नॉट विद द 19th or 20th century. सो सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों को यह है कि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इज़ द फ्यूचर. पूरा वर्ल्ड आने वाला टाइम में अनदर 5 or 6 years इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड बाय रोबोटिक्स और थ्रू ऑटोमेशन और थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो जब तक हम अपने बच्चों को बेसिक्स ट्रेन नहीं करेंगे स्कूल लेवल पे, हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन द मार्केट. एक एरा आया था, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक एरा आया था जिस टाइम पे जिसको कंप्यूटर नहीं आता था तो नौकरी नहीं मिल रही थी. सो वो एरा दोबारा से आने वाला है, एक नया एरा आने वाला है जिसमें बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो कैसे सस्टेन करेंगे उस इंडस्ट्री में जहाँ पे हर जगह ऑटोमेशन, हर जगह रोबोटिक्स यूज़ हो रहा है. सो हम इन बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं और हम इन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट भी प्लान कर रहे हैं जो कि इन बच्चों से कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा ऑफ कोर्स. सो ये इवेंट हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें ये सारे के सारे बच्चे, पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बच्चे, ऑलमोस्ट 2500 से 3000 बच्चे एक जगह पे बैठ के रोबोटिक्स सीखेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर देम. हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड और अपने आप को इंस्पायरिंग फील करें कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं एंड दे आर एबल टू डू इट. सो फॉर टाइमिंग अगर बात करें, ऑफकोर्स हम लोग चंडीगढ़ में खुद बेस्ड आउट हैं तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे. चंडीगढ़ और पंचकुला और मोहाली हमारे काफ़ी रीजन्स में ये ट्रक ट्रैवल करें, अलॉन्ग विद दैट कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुछ रीजन में कुरुक्षेत्र और उसकी आसपास की बेल्ट, प्लस पंजाब के कुछ रीजन में बठिंडा और उसके आसपास की बेल्ट पे. फिलहाल हम यही स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ट्रक वी आर लॉन्चिंग एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अनदर 20-25 ट्रक इन कमिंग ईयर.